हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैंने जो नर्सरी से शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ, तो यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं आपको अपने सकुलेंट दिखा देती हूँ, जिनको मैंने सबको रिपोर्ट कर लिया है। कल मैं शाम को लेकर आई थी और मैंने रात में काफ़ी सारे प्लांट अपने रिपोर्ट कर लिए, क्योंकि दिन में फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। और मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, वैसे अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए, एक प्लांट ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, और एक प्लांट ये है। और इसकी कुछ जो पत्तियाँ टूट गई उनको मैंने इसी में प्रोपोगेट करने के लिए डाल दिया है। और ये तीन चार प्लांट है, तो ये कुछ प्लांट मैंने सकुलेंट के लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक लिया है पिटूनिया। वैसे तो मेरे पास है इसका कलर, लेकिन मुझे उसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लगा तो मैंने इसको भी ले लिया, तो मेरे पास वो दो कलर के हो जाएंगे। एक मैंने शिमला मिर्च का प्लांट लिया है, ये देखिए। एक जीनिया लिया है मैंने, ये थोड़ा रेड ऑरेंज सा है, बहुत डार्क सा, बहुत ही प्यारा सा लगा इसका कलर मुझे। वैसे तो है मेरे पास ऑरेंज कलर, लेकिन ये भी बहुत सुंदर सा था तो मुझे मन किया इसको लेने का। एक मैं बिगोनिया लेकर आई हूँ, ये देखिए, वाइट कलर में। वाइट बिगोनिया मेरे पास लास्ट ईयर था, लेकिन इस साल मैं सिर्फ रेड वाले ही थे। ये देखिए, रेड वाले बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, तो मैंने ये नहीं वाइट किया। ये मैं छोटा सा बेबी प्लांट लेकर आई हूँ बिल्कुल। यहाँ पर मैंने चार पाँच कटिंग डहेलिया की ली हैं, और डहेलिया तो आपने देखे ही, मेरे थर्ड फ्लोर पर कितने सारे डहेलिया हैं, लेकिन मैंने इनको थोड़ा पत्तियों का जो डिज़ाइन है अलग अलग देख करके लिया है। ये देखिए, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका थोड़ा अलग है, तो पत्तियों से शायद इसमें कलर अलग चेंज होके आएंगे, क्योंकि मेरे जो लगे हैं वो सारे एक कलर के निकलेंगे। तो मैं ये चार पांच कटिंग ले आई हूँ, एक मैंने पॉली बैग में भी लगाया हुआ है कहीं पर। तो ये थे मेरे कुछ प्लांट, और उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ पॉट्स, जो मैंने बोला भी था कि मैं उनके पास उस समय ख़त्म हो गए थे, तो मैंने फिर से उनसे मंगवाया था। और ये देखिए, लगभग 10 इंच के पॉट हैं, और बहुत अच्छी इनकी डेप्थ भी है, गहराई भी है, और चौड़ाई भी 8 इंच इनकी चौड़ाई है, और 10 इंच से ज़्यादा इनकी गहराई है, जो आप देख सकते हैं। देखिए, और उसके मैंने 12 पीस लिए हैं। तो कुछ में तो मैं प्लांट अभी लगा दूंगी, कुछ को मैं रख लूँगी, मेरे काम आते रहते हैं, क्योंकि मैं सीमेंट के गमले अपने छत पर नहीं रखना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मेरे पास गमले और प्लांट हो गए हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी शॉपिंग। तो और उसके बाद बस इतना ही मैंने लिया, कुछ 6 पीस मैं ये वाले गमले भी लेकर आई हूँ, ये वाले जिनमें मैंने डहेलिया लगाए हैं, 8 पीस मैंने ये वाले गमले भी परचेस किए वहाँ पे। तो 8 पीस ये वाले और 12 पीस ये वाले बड़े वाले। तो इतनी मैंने शॉपिंग की कल। और वैसे तो मेरे पास रेड कलर की पिटूनिया है, लेकिन इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था, आप देख सकते कितना ज़्यादा सुंदर है, तो मैंने इसको लिया। और ये तो पर्पल ही है। एक मेरे पास पिंक कलर की बहुत सुंदर सा फूल खिला है, उसको मैं अपने ओवरव्यू में दिखाऊँगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्लांट मैं लेकर आई थी मैंने सभी को रिपोर्ट कर लिया है। ये तो मैं लगभग 2 हफ्ते पहले जो ले आई थी बेबी प्लांट, 10 रुपीज़ का वो वाला प्लांट है मेरा, और ये काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया था, तो मैंने इसको भी रिपोर्ट कर लिया है। और ये प्लांट मैं अभी कल लेकर आई हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा रेड कलर, बहुत ही प्यारा सा है। मेरे पास एक और है रेड कलर, वो भी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर ये शायद ब्लू ही निकलेगा। जो मेरे पास एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, शायद इसी कलर, क्योंकि सेम इसी तरह की उसकी भी जो कलियां हैं दिख रही हैं, और कलर आप देखिए बिल्कुल वेलवेट की तरह इनके फ्लावर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगता है। इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया था, और देखिए आप कितना ज़्यादा बूसी हो गया है ये प्लांट, बहुत ही अच्छा घना सा प्लांट हो गया है। एक मेरे पास डबल पेटल वाला पिटूनिया भी है, ये देखिए, और नर्सरी वाले भैया ने डबल पेटल बोल के ही दिया है, पता नहीं ये सिंगल आ गया कि डबल, अभी खुद मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन इसका प्राइस मैंने काफ़ी ज़्यादा पे किया था, ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला था। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो 10-10 इंच के गमले हैं, इन्हीं में मैंने अपने सारे प्लांट ट्रांसप्लांट कर दिए। एक में मैंने शिमला मिर्च भी लगा दी है, ये देखिए, और अच्छी ग्रोथ करेगा ये अगर हो सकता है तो। और ये देखिए पिटूनिया है, ये पिटूनिया है, ये जीनिया है, जिनको मैंने 5-5 इंच के पॉट में लगाया है, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा कलर है। और वैसे तो मेरे गार्डन में आप फ्लावर देखते ही हैं, बहुत अच्छे हैं। ये पेंजी है, और ये सारे डहेलिया के जो कटिंग है, इनको तो मैंने कल ही सबको रिपोर्ट कर लिया था, और इन सबको मैंने आज रिपोर्ट किया है। ये देखिए, ये सकुलेंट भी मैंने कल ही शाम को ही रिपोर्ट कर लिए थे सारे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मैंने एक साथ ही सबको लगा दिया है, ये देखिए। और ये देखिए, ये मिट्टी का पॉट है छोटा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, और इस तरह से ये दिखता है, ये देखिए इस तरह से।
तो ये एक साथ जब ये काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेगा, पूरा भर जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। यहाँ देखिए एक लीफ से प्रोपोगेट हो रहा है छोटा सा बेबी, ये लीफ में ग्रो हुआ था तो मैंने इसको भी इसी में लगा दिया, इसमें रूट्स बहुत अच्छी आ गई है। तो ये थी मेरी शॉपिंग और उसकी रिपोर्टिंग, तो मैंने आपको नहीं दिखाई लेकिन मैंने रिपोर्ट करने के बाद आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।